सबसे पहले तो दोस्तों इस पौधे को इस प्रकार से देख करके पहचान लीजिए, जिसका मैं नाम बता देता हूँ। इसे हुरहुर के नाम से जाना जाता है। इसी गाज में आप लोगों को आयुर्वेदिक उपचार करना सिखाऊंगा, तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है। और इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी हमें होना भी जरूरी है, क्योंकि हम अपने लाखों रुपए की जो दवा खाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो उसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे वीडियो से हम चाहते हैं कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। आयुर्वेद का उपचार से हर बीमारी का इलाज संभव है। वैद्य लोग दवा दे देते हैं, लेकिन दवा का नाम नहीं बताते। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को दवा का नाम बताता हूं, आप सभी को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी सिखाता हूं। हमारे जो भारत देश ना, इसे आयुर्वेद का देश कहा जाता है। हमारे जो आयुर्वेद है, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि आयुर्वेद का खजाना हमारे भारत में ही है। मतलब हमारे जो भारत देश ना, इसे आयुर्वेद का धरोहर कहा जाता है। यही पे आयुर्वेद के सबसे ज्यादा जानकारी है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये हुरहुर है, इसका बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे हैं। आप अपना 4 से 5 मिनट का बहुमूल्य समय मुझे जरूर देना, और आप मुझे 4 से 5 मिनट का अपना इस वीडियो में बहुमूल्य समय देते हैं, तो इसमें आज मैं आप लोगों को हुरहुर के बहुत सारा फायदा बताने वाला हूँ, जो कि आपको जिंदगी भर काम आएंगे। हम चाहते हैं हमारे वीडियो से सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब लोग आयुर्वेद की जानकारी सीखे। जड़ी बूटी पेड़ पौधे स्वयं नष्ट होकर के हम सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए बोलता हूँ दोस्तों इन पेड़ पौधों की हमें कद्र करना चाहिए। तो आइए इसके प्राकृतिक उपचार को जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप भी इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारे चैनल को आज ही फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारियां आती रहती हैं। तो जो हुरहुर ना, सबसे पहले सिर के दर्द को ठीक करते हैं। इसके पत्ते को पीस करके मस्तक पर लगाने से सिर के दर्द ठीक हो जाते हैं। इसके जो पत्ते का रस होता है, इसमें मधुरस, तिल का तेल और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके गर्मा कर ले, और इसके 1 से 2 बूंद कान में डाल देने से कान के दर्द ठीक हो जाते हैं। और भी इसका बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अरसा हो रहे हैं, खून निकल रहे हैं, तो 1 से 2 ग्राम इसके बीज का चूर्ण सेवन करने से खून निकलना बंद हो जाते हैं। संधि शूल है, संधि में दर्द होता है, तो हुरहुर के बीज को पीस करके संधि पर लेप करने से संधि शूल का शमन होता है, यानी कि जोड़ों में जो दर्द हो रहे हैं, संधि में दर्द हो रहे हैं, वह ठीक हो जाते हैं। पुराने जो ज्वार हैं ठीक नहीं हो रहे हैं, तो 5 मिलीग्राम के आसपास में हुरहुर के पत्ते का रस जल में मिला करके, मात्रा अनुसार ज़्यादा नहीं लेना है, 5 ही मिलीग्राम के आसपास में लेना है, पिला देने से ज्वार ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार की जानकारी को आप स्वयं नहीं करना चाहते तो दूसरे को बता सकते हैं, या अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए वीडियो को देख लिया करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भारत भूमि से आयुर्वेद की जानकारी समाप्त न हो। हर कोई बंदा है हमारे भारत भूमि से, जितने भी बंदे सबको आयुर्वेद की जानकारी हो। इस प्रकार के करके हम फ्री में आप सभी को आयुर्वेद की जानकारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री में पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर किसी के नेत्र में पीड़ा होती है, तो इसके पत्ते का पुलटी बना करके नेत्रों पर बांधने से नेत्र के पीड़ा का शमन होता है। कृमि हो गई हैं, तो ये हुरहुर के जो जड़ होता है, इसका रस मोठ लेना है। मोठ को कई जगह सौंठ के नाम से जाना जाता है, ये आपको लेना है। पीपली लेना है, ये सबको मिला करके 1 से 2 बूंद कान में डाल देने से कृमि कर्णारोग का शमन होता है, यानी कि जो कान में कृमि घुस गए हैं, दर्द हो रहे हैं, उसका शमन होता है। इसके बाद ये गलकंठ को ठीक करता है, यानी कि गले में आपके ट्रांसिल आ गए हैं या गले में घेंघा के रोग हो गए हैं, तो सफ़ेद कलर की इसमें हुरहुर का प्रयोग करना है। वैसे बहुत आसानी से ढूंढने में ये हुरहुर भी मिल जाते हैं, तो सफ़ेद कलर की हुरहुर और लहसुन को समान मात्रा में मिला करके पीस करके गलों पर लेप करने से गलकंठ की जो बीमारी होती है, उसका शमन होता है, गलकंठ की बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये थे दोस्तों हुरहुर के अजीब गरीब फायदे, जो कि आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर किया। यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी ने और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।